हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुलेखा द्विवेदी एंड आई एम क्लास टीचर आप क्लास फर्स्ट। नाउ वी आर लर्न अ सब्जेक्ट ऑफ हिंदी चैप्टर तीन वर्णों वाले शब्द। लेट्स स्टार्ट। तीन वर्ण देखिए, म ट र, एक म हो गया, दूसरा ट हो गया, तीसरा र हो गया, मटर। इस तरह से ये तीन वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। इसी तरह मगर, म एक हो गया, ग हो गया, एक र हो गया, मगर, तीन वर्ण मिलकर एक शब्द। उसी तरह कलश। अब आगे देखिए, नरम, कलम, हवन, कमर, नमक, टहल, ऐनक, बहन, नहर, लहर, डगर, सड़क, गगन, नगर, झगड़, आलस, बटन, कदम, अकल, गरम, बढ़ई, बत्तख, पकड़, ठहर, ऊपर। ये सब देखिए, काउंट करिए, सब में तीन वर्ण हैं। तो तीन वर्ण मिलकर एक शब्द बनाए हुए हैं, इसीलिए इन्हें तीन वर्णों वाले शब्द कहे जाते हैं। अब यहाँ पर आओ, शब्द बनाए। म ह, तीसरा वर्ण ल हो गया, महल बन गया, कमल बन गया, उछल बन गया, फसल बन गया। इस तरह से आप लोग को लर्न करना है, ठीक है। जैसे कल मैंने दिया था दो वर्डों वाले शब्द, आप लोग को बोला था 15 ठो लर्न करने के लिए, उसी तरह तीन वर्डों वाले शब्द आज आपको 15 ठो लर्न करके वीडियो बना के सेंड करना है। थैंक यू।